हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो अभ्यास की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर आज हमारा एपिसोड है 16। इसके पहले हमारे 15 एपिसोड बन चुके हैं और हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे जाके क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हो। एमपीपीएससी की अभ्यास करो सिद्ध करो का मतलब क्या, टाइटल मैंने रखा है, तो इसका मतलब है जब तक आप टेस्ट का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप टेस्ट सीरीज को अपने एग्जाम को कैसे मूर्त रूप दे पाओगे। इसीलिए मैंने ये अभ्यास की टेस्ट सीरीज चलाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिसोड 16 है, आज की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें, चाहे आप स्कैन करके ऐप को नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी 238 टेस्ट के साथ। लगभग आप देखोगे तो 23,000 क्वेश्चनों को लगाने का मौका मिलेगा। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हैं। जीएस और सीसेट दोनों पेपरों को यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर काम का आता है तो आप लोग उसको कंटिन्यू रखिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपका फोन, आपका ऐप, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप एक बार जरूर इसको डाउनलोड करके देख जरूर लीजिए क्या है, किस तरीके से ये फॉर्मेट में काम करता है। जो वीडियोस बन रहे हैं, इन सबकी वीडियोस पाने के लिए आपको पीडीएफ को ऐप पर ही मिलेगी, तो आप वहां पर भी एक्सेस कर पाओगे। सारा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के हमारा 91 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 91 क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखो, कभी कभी क्वेश्चन सरल भी हो सकते हैं आपके लिए, कभी कभी क्वेश्चन कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है दो चार क्वेश्चनों से कभी भी वीडियो का आप लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हो। बने रहने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए भाई ये बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एमपीपीएससी के लिए हम करंट अफेयर्स भी ला रहे हैं, तो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट होगी, जो फोकस होगा ओनली एमपी फोकस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये चार ऑप्शन है। किस नदी पर है अगर हम बात करें तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी? इंद्रावती नदी पर ही मध्य प्रदेश में बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? तो कुमार गंधर्व है, इनका नाम पूरा कुमार गंधर्व है, और ये पूछ रहा है किस स्थान से इनका संबंध है। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा गायक है वो किस स्थान संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन कवर हुए हैं। कैसे हुए? कुमार गंधर्व कौन है? एक ध्रुपद गायक है। अब क्या दूसरा क्वेश्चन है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर एग्जाम में आए तो देवास क्षेत्र से इनका संबंध है। किस क्षेत्र से? देवास क्षेत्र से ध्रुपद गायक गंधर्व सिंह का स्थान से संबंध है इनका, तो देवास क्षेत्र से इनका। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश की किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? आप लोगों को पता होगा जनजाति बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यूनिट 10 हम बहुत जल्दी कराने वाले हैं आप लोग कवर, तो यूनिट 10 पे पूरी वीडियो बनाएंगे। एमसीक्यू कम से कम 1000 एमसीक्यू लाएंगे, हम 1000 एमसीक्यू लाएंगे यूनिट 10 पर, जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? अगर बात की जाए तो दक्षिण भाग में पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के साउथ में देखोगे तो आप कोरकू जनजाति पाई जाती है। पीवाईक्यू देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? बात कर रहा है जो संभाग है, संभाग किस चीज के? पुलिस के संभाग है मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या 14 है। कितना? 14 मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, जो मास कम्युनिकेशन या कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर वाला, पत्रकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखिएगा, भोपाल में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी पत्रकारिता की है, इसको याद रखना है। मैंने आप लोग कल की 15वीं एपिसोड में आपको बताया था कि हाईकोर्ट के बारे में, हाईकोर्ट 3 जगह है, एक तो जबलपुर में है, और जबलपुर के पास इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में। लेकिन ये सबको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था एक पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय, क्या आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर या कहां पर स्थित है? पहली मध्य प्रदेश की पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थित है, क्या आपको पता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कहां पर है, या फिर 15वीं वीडियो देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाली वीडियो पे सर यहाँ पे था। ठीक है, पर्यावरण न्यायालय आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, हम देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, है ना, बताइए। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा किस जिले में है? देखो, बात कर रहा है कि एमपी में ऐसे विश्वविद्यालय जो
दो जगह पे स्थापित हुए हैं। एक तो बता दिया है कि भोपाल, भाई भोपाल में है, दूसरे की बात कर रहा है कहां पर है, तो दूसरा तो आपको बताना है ना, तो सतना में है। कहां पर है याद रखिएगा, दूसरा वाला कहां पर है, सतना में स्थित है। पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष किस दिन मनाया जाता है, बात कर रहा है कि जो राज्य का दिवस वर्ष है कौन से दिन को मनाया जाता है। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। खैर नहीं पता है तो 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस या राज्य दिवस मनाया जाता है। 1 नंबर 1956 याद कर लो, 1 नवंबर 2000 याद कर लो। क्यों याद करना है, क्योंकि इन दोनों दिन मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन हुआ था, दोनों याद कर लो है ना अच्छे से पढ़ के। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को बर्थडे किस किस का पड़ता है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे नट लर्निंग ऐप नाम से है और यूट्यूब चैनल यूपीएससी नट नाम से है, साथ में पूरा आपको दिख पा रहा होगा। यूपीएससी स्टेट पीएससी टेस्ट सीरीज, स्टेट एग्जाम, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, एकेडमिक 6th से 12th सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐप, आप लोग एक बार डाउनलोड करके जरूर उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी में जो मैप है मानचित्र पर समवर्षा रेखा कौन सी, समवर्षा समान वर्षा रेखा बनावट कैसी है, तो ये लहरदार है, रेखीय है, गोलाकार है या मोड़दार है। आपको पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश समवर्षा रेखा है वो मोड़दार है। कैसी है, एक मोड़दार। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हो और फंस सकते हो। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है, बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रकाशित है, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रकाशन होता है, मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है। अगर एग्जाम में आए तो भोपाल से होता है, कहां से होता है, भोपाल से। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा आईक्यू लगाना था, मैंने कहा था पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां है, भोपाल में है। अब प्रकाशन ये मध्य प्रदेश संदेश कहां से होता है, तो आप एक कॉमन से लगा सकते हो भोपाल से ही होता है, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 100वां क्वेश्चन है हमारा। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है, क्या सकता है, जो मध्य प्रदेश का पिन कोड है वो किस अंक से प्रारंभ होता है, 2, 3, 4, 5, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 अंक से प्रारंभ होता है। अब आप बताइएगा एमपी में आपका पूरा पिन कोड क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में आपका पिन कोड क्या है, क्या 4 से ही है या 2 से है या 3 से है या 5 से है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 अंक से शुरुआत होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, किसमें, इंटरव्यू में क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, पूछा भी गया है शायद एक बार। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है, तो जो बुरहानपुर जिला है पूछ रहा है किस जिले से अलग होकर बना है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदौर जिले से अलग होकर बना है, उसे इंदौर याद रखिएगा, इंदौर से अलग होकर बुरहानपुर जिले को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है, बात कर रहा है कि अब दो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि 52 गजा जो तीर्थ स्थल है वो कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए वो बड़वानी जिले में है। अब पूछ रहा है कि जो 52 गजा है वो किस धर्म से स्थित है, तो यह जैन धर्म से स्थित है, किससे, जैन धर्म से इसका संबंध है, क्या रखेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन था पूछ रहा है कि पहली बार कब लागू किया गया था, पहली बार 30 अप्रैल 1977 को, कब, 30 अप्रैल 1977 को प्रथम बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। देखो फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि मैं चाहूं तो लंबी वीडियो कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, लेकिन अपना क्या पॉइंट है, आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराना एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहे, है ना। आपको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन तो ठीक है, चलो ऑप्शन भी कभी कभी ऑप्शन से भी मिल जाता है आंसर, लेकिन हर बार तुक्का नहीं लगता है, है ना, तो इसलिए ऑप्शन सही आपको पता होना चाहिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि वीडियो लंबी खींच के आप लोगों को ये दिखाना कि भाई बहुत बड़ी लंबी वीडियो है, ये बात याद रखना, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन और फिर सीधे डायरेक्टली आंसर, इस बात को थोड़ा सा फोकस रहे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश में किस नगर में हुआ, बात कर रहा है कि जो ध्रुपद संगीत है, ध्रुपद संगीत का जो जन्म है मध्य प्रदेश में किस नगर या किस क्षेत्र से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर से हुआ था। तानसेन से संबंध किस हां से है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, कहां से हुआ था, ध्रुपद संगीत का संबंध ग्वालियर से है, ग्वालियर से इसका जन्म हुआ था ध्रुपद संगीत का, और तानसेन का संबंध किस संगीत से है और कहां से है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है, पी बाई क्यू देख लो, 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन।
उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? छपरा नदी के किनारे उज्जैन। उज्जैन क्या है? एक 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग है जो कि महाकालेश्वर है। ठीक है, तो उज्जैन छपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है या कार्य करते हैं? तो बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं किस विभाग में है? तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा विभाग में, और वही डोलम डोल है। किस विभाग में? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी है। कौन सा स्थान है जहां पर ताप विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है, एक जगह नहीं है। तो ऑप्शन आपका है चांदनी, बिल्कुल यहाँ पर तो है, अमरकंटक यहाँ भी है, सतपुड़ा यहाँ भी है, लेकिन पेंच देखोगे वहां पर कोई भी ताप विद्युत केंद्र स्थापित नहीं है। पेंच किसके लिए फेमस है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश का स्थान है और संपूर्ण वन भाग में किसके सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन किस चीज के पाए जाते हैं? सागौन के। याद रखिए, किसके? सागौन के। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष सागौन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखो, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो गया इंदौर में है। सर, इंदौर में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1930 में की गई थी। कब की गई थी? 1930 में ही की कर दी गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखो इसको। प्राचीन काल में अभेद किला किसे माना जाता है? तो बात कर रहा है जो अभेद किला, जिसको किसी ने भेदा ना हो उसका किला माना जाता है, कि प्राचीन काल में अभेद किला किसा माना जाता है? बताने से पहले अगर आपको चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में नट लर्निंग ऐप नाम से, नाम याद कर लो, नट लर्निंग ऐप नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके इसको देख लो। काम की चीज हो भाई, देखो टेस्ट सीरीज लगा लो, आप लोग फिर से कह रहा हूँ अच्छी है, मजेदार, मजा आएगा। इसीलिए प्राचीन काल में अभेद किला कैसे माना जाता है? असीरगढ़ किले को प्राचीन काल में अभेद किला माना जाता है। असीरगढ़ का किला प्राचीन काल में कहा जाता था, किसी ने अभी तक इसको भेद नहीं पाया, मतलब कि इसको तोड़ फोड़ अंदर नहीं जा पाया या जीत नहीं पाया। तो याद रखिएगा, असीरगढ़ का किला प्राचीन काल में अभेद किला के रूप में माना जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो। मध्य उच्च प्रदेश की उत्तरी भाग कैसा है? बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का मान लो ये जगह है, और मध्य प्रदेश का पूछ रहा है कि जो मध्य उच्च प्रदेश प्रदेश भाग है, मध्य का जो प्रदेश का भाग है वह कैसा है? त्रिभुजाकार है, सपाट है, चौकोर है या गोल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत त्रिभुजाकार। कैसा है? विस्तृत त्रिभुजाकार भाग है। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? बात कर रहा है जो शीतलहर होती है, जो शीतलहर चलती है मध्य प्रदेश में, शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में सर्वाधिक रहता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी भाग में, रखिएगा। नॉर्थ के भाग में शीतलहर का प्रकोप सबसे अधिक रहता है, शिवपुरी वगैरह का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर सबसे अधिक शीतलहर चलती है। तबाबान परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तबाबान बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है, इस बार पूछी जा सकती है कि तबाबान परियोजना किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में? तो होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ पे होशंगाबाद में तबाबान परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ये तो सब बहुत टाइम पहले से ही आप लोग पता होगा, इटारसी। कौन सा है? इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रखिएगा, इटारसी जंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो मालवा के पठार के क्षेत्र में नहीं बसा है? ये चार ऑप्शन है, पूछ रहा है कि मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार में इन चार में से कौन सा क्षेत्र नहीं बसा है, बाकी तीन बसे हैं। तो उज्जैन तो बसा है मालवा के पठार में, देवास भी बसा है और इंदौर भी बसा है। जबलपुर की बात करें, जबलपुर नहीं बसा है। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर अमरकंटक के पास में पड़ता है, मतलब कि ईस्ट में पड़ता है ये। जबलपुर कहाँ पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है, जहां पर बहुत सारे जलप्रपात है, वाटरफॉल्स स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? एग्जाम में आ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे निचला क्षेत्र है कौन सा है? अगर सबसे हाईएस्ट बात की जाए, मैंने आपको IQ लेवल बढ़ा दिया है कि कौन सा है, बताइए, चोटी बना दी, अब आप मुझे बताइएगा मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट कौन सा क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे डीप क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो सबसे डीप क्षेत्र की बात की जाए मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो बघेलखंड का पठार है, याद रखिएगा। कैसा? बघेलखंड का पठार सबसे नीचा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पहले स्थापित किया गया था? नेशनल पार्क की बात कर रहा है, किसका? नेशनल पार्क की बात कर रहा है या नेशनल पार्क की बात कर रहा है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले कहां पर स्थापित किया था? तो ये कान्हा किसली, या रखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है और सबसे पहले स्थापित किया गया था। पन्ना, या रखिएगा पन्ना किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त हुए थे? हीरे ग्रंथ लिखा है, डायमंड हीरे प्राप्त होते हैं। तो पन्ना की बात कर रहा है किस नदी पर किनारे बनाए गए थे और जिसमें ढेर हीरे के मिले हुए हैं? तो यहाँ पर है भागीर नदी। कौन सी नदी है? भागीर नदी। इम्पोर्टेंट है, याद रख लो इसको, भागीर नदी आ सकता है। भागीर नदी किनारे हीरे की प्राप्ति हुई थी। मध्य प्रदेश में भाग के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? इम्पोर्टेंट है ये, इंटरव्यू में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर, यार के बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? तो इम्पोर्टेंट है 1970 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1970 में पूर्ण प्रतिबंध को लगा दिया गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भोपाल की विशाल झील किस राजा के द्वारा बनवाई गई थी? भोपाल में। अब यहाँ पर निकल के आता है कि जो भोपाल की विशाल झील है कहाँ पर है? भोपाल में। अब किस राजा के द्वारा बनवाई गई थी? होशंग शाह के द्वारा। किसके? होशंग शाह राजा के द्वारा इसको बनवाई गई थी। तो आज के लिए यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट 17वीं वीडियोस में हम फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे। 30 हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग जरूर लगाते रहिए और देखते रहिए। डेली आते हैं, डेली लगाइएगा। 15 वीडियो से पहले बन चुकी है, नहीं देखिए देख लीजिए। आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो का रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।